सोलापुर के सदर बाजार पुलिस के ताबे में आने वाली यह महिला शमशाद इब्राहिम मुल्ला और इसके साथीदार नेताजी कामले और प्रमोद लगड़े, इन दोनों की मदद से शमशाद मुल्ला यह महिला ने रिश्तेदारों को 42 तोला सोना और 7 लाख रुपए का गंडा डाला। शमशाद मुल्ला ये इनके रिश्तेदार के बेगम हुसैन शेख यह महिला के पास आई। अपने परिचय के रिश्तेदार के घर में ऑपरेशन होने पर रुपयों की ज़रूरत है यह बताकर उसने शुरुआत में 3 तोले सोने की बंगड़ी ले गई। उसके बाद बार बार कुछ न कुछ बहाना बताकर बहला फुसला कर हमेशा सोने के जेवरात और नकदी राशि ले जाती रही और कुछ दिन बीतने के बाद रुपये और जेवरात वापस ना देने पर पूछे जाने पर उसने ताला ताली शुरुआत की। अपनी फसवे गिरी हुई है यह बात समझ आने के बाद पुलिस में तकरार देने पर पुलिस ने फंसाने वाली महिला शमशाद और उसके साथीदार को गिरफ्तार किया। दिनांक 27/17 को पुलिस स्टेशन में मैं बैठा हुआ था कि हमारे क्राइम पीआई, इन्होंने मेरे पास एक कंप्लेन लगे बताया सैयद साहब ने कि फरीदा बेगम शेख हुसैन इनकी फसल हो गई, उनको एक चीटिंग हो गया बोल के उन्होंने लाके बताया। कंप्लेंट के सामने ही थे हमारे, उसके एक रिश्तेदार है शमशाद बेगम बोल के, तो उन्होंने उनके दूसरे करीबन रिश्तेदार बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है ऐसा बहाना बना के, और उनके पास जो सोना था ये उनके आरोपी जो महिला है उसको मालूम था, तो उन्होंने उसके रिश्तेदार बीमार है ऐसा बहाना बना के ये जो कंप्लेंट है उनको विश्वास में लिया और बाद में इनके पास से 16,70,000 रुपये का सोना और नकदी कैश उनके पास से ले लिया और मैं उसके पैसे डबल करके देता हूँ ऐसे बोल के लिए उनके पास से, बाद में उनके पैसे वापस भी दिया और ये भी नहीं करे। उसके ऊपर हमने 420 और 406 का ऑफेंस माननीय पुलिस आयुक्त साहब के परमिशन से रजिस्टर किया और उसके अंदर तीन आरोपी को अरेस्ट किया। उन्होंने अब तक 21 तोले सोना और 2 व्हीकल उसके अंदर के निकाल के लिए, वो आरोपी की पीछे आ गए, वो हर एक आरोपी की 2-2 दिन की पीछे मिल गई उसके अंदर। अभी आरोपी फिलहाल हमारे कब्जे में है और उनके पास से टोटल 7.5-8 लाख रुपए का माल बरामद किया है।